चलो बेटे 5.2 का सवाल है आपका, क्लास 10 एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सबके लिए। और आप मेरे चैनल से जुड़ते तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। 5.2 का सवाल है, 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। तो मैंने देखा पहले मुझे एपी बनाना पड़ेगी, एपी बनाई मैंने, इसमें 105 में 7 का भाग जाता, उसमें 7 जोड़ दिया तो 112, 119। अब यहाँ मैंने 5 को प्लस करा तो बच्चों इधर मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरा लास्ट टर्म आ गया, मैं इसी को इन कर लूँगा। बेटा बस एपी बनाना आना चाहिए। अब ये सवाल है आपका 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। आप बुक लेकर बैठे जो भी चैनल से जुड़ा है तो बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैंने एपी बना दी, 7 से विभाज्य, डिविजिबल बाय 7, है ना। तो पहली संख्या ये 100 से लेके 99, अब बिल्कुल सिंपल है, ए मेरा मिल गया 105 बच्चों। डी में कैसे निकालता हूँ, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको घटा देंगे, 105 घटाते तो 7 आ गया। ए लास्ट टर्म 994, ओके। अब बस मुझे एन का मान ज्ञात करना तो फार्मूला लगाऊंगा, एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। ए एन मेरा है 994 बच्चों, ए मेरा 105 है, एन मुझे ज्ञात करना, डी मेरा 7 है, प्लस का 105 इधर आएगा, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो 889 आएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 7, 7 का इधर गुणा है तो इधर डिवाइड करूंगा, डिवाइड करने पर मेरा आएगा एन माइनस 1, ये आ गया 127, माइनस का 1 इधर लाऊंगा 127 प्लस 1, तो एन बराबर मेरा आ गया 128। ये सवाल हो गया बेटे। आप इसी का अगला सवाल है 5.2 का, जिसे मैं इसको ठीक है। नेक्स्ट बेटे 4 का गुणन 10 से लेकर 250 के बीच, 4 का टेबल में आने वाली गुणज मतलब मल्टीपल, तो ये सवाल भी अच्छा है, कितनी संख्या होंगी, हाउ मेनी नंबर, एन ज्ञात करना। तो 4 थी या 12, मैंने पहले सोचा 12 में मैंने 4 जोड़ा तो 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20, और यहाँ मेरे लास्ट नंबर होगा 248, क्योंकि इसमें 48 में 4 का भाग जाता है। अब मेरे पास ये मेरे एपी बन गई, ए बराबर मेरा 12 आ गया इजी गोइंग, डी बराबर 16 में से 12 गया बच्चे हो तो मेरा 4 आ गया। अब ए एन मुझे दिया लास्ट टर्म 248, फिर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ, एन ज्ञात करना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन मेरा 248 है बच्चों, ए मेरा जो है 12 है, एन मुझे ज्ञात करना एज इट इज, डी का वैल्यू मेरा है 4, डी कितना है 4, प्लस का 12 इधर लाऊंगा 248 माइनस 12, एन माइनस 1, डी का मान 4, इसमें से इसको घटाता हूँ तो बच्चों 236 आएगा, एन माइनस 1 इंटू 4, 4 का इधर गुणा है 236 बटे 4, तो एन मेरा आ गया, यहाँ डिवाइड करूँगा 4 पंजे 20 59, माइनस का 1 इधर लाऊंगा, मैं इधर लिख रहा हूँ 59 प्लस 1, तो एन मेरा आ जाएगा 60। बेटा इस वीडियो पर आप चलो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एन इजिकल टू 59 प्लस 1 एन इजिकल टू 60। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शिक्षा राष्ट्र हित में, देश हित में। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।